सर्दियां आ गई हैं। अब सर्दियों में किराना की दुकान थोड़ा कम चलती है, आप सब जानते ही हैं जिसके पास किराना की शॉप है। अब उसको लेके कि भाई गर्मियों में तो बहुत बढ़िया चलती है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा 100% अगर चल रही है तो 70% हो जाती है। इस 30% को आप कहाँ एडजस्ट करें कि भैया वो मेरा 100 के 100 हो जाए। तो इसी रिलेटेड से लेकर आज की वीडियो होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर आज एक नई वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ। मुझे पता है कि मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ। रीज़न मैंने बताया भी था कि भैया मैं थोड़ा बीमार चल रहा, फीवर हो गया था, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। अच्छा गाइस, सबसे पहला आइटम लेके आया हूँ मैं, इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं रेवड़ी। ये गुड़ की और तिल की मिक्स होके बनती है। वैसे ये चीनी के साथ भी बनती है, लेकिन आपको दोनों रखनी होंगी सर्दियों में, क्योंकि कस्टमर ये मांगता है कि भाई मुझे गुड़ वाली चाहिए, चीनी वाली, दोनों आप अवेलेबल हो तो बेस्ट आपके लिए। ये तिल की बनती है। इसका MRP बता दूँ मैं आपको इस पर। ये वैसे ट्रांसपेरेंट पन्नी में होती है, वैसे ब्रांडेड भी आती हैं, लेकिन ये ठीक है ट्रांसपेरेंट पन्नी में। इस पर कोई MRP वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन लूज़ में मैं इसको सेल करता हूँ 25 रुपये की। ये पड़ती है मेरे को 16 रुपये की। अब आप समझ सकते हो कितना मुनाफा होगा। वैसे रेट बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी आदत है, आदत ख़राब है मेरी, मैं हर चीज़ का रेट बता देता हूँ। पिछली वीडियो अगर कोई नया मेरा सब्सक्राइबर या व्यूवर्स मेरे साथ जुड़ रहा है तो वो देख लीजिएगा, मेरी पुरानी वीडियो में सभी रेट बताता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई मेरी दुकान चले या ना चले, क्योंकि मेरे यहाँ जितने भी मेरे आस पड़ोस के मेरी वीडियो बहुत कम देखते हैं। अगर कोई देखता भी है तो पता है उसको, मैं उसको बोल देता हूँ यार मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसका बता रहा हूँ आप लोगों को, सर्दियों का आइटम है ये, बेस्ट आइटम है, सर्दियों में सबसे ज़्यादा बिकने वाली। इसको मेरे यहाँ पर बोलते हैं रेवड़ी। अब दूसरी आइटम मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये होती है मूँगफली और गुड़ की गज्जक। आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसका भी मुझे नहीं पता, खैर गज्जक ही बोलते होंगे जो भी आपके वहाँ बोलते होंगे। लेकिन ये देख ही लीजिए, मूंगफली है और इसमें गुड़ मिक्स होता है, ये दोनों मिक्स करके पैकेट बना रखा है इसका। ये मिलती है, ये मिलती है हमें 40 रुपीज़ की। इसमें 7 पीस होते हैं। अगर मैं लूज़ करके बेचूँ तो ये 70 रुपये का बिकेगा, लेकिन मैं इसको ऐसे पैकेट का पैकेट बेच रहा हूँ 50 रुपये का। अगर कोई एक बंदा मांगता है कि भाई मुझको एक ही पीस चाहिए तो 10 रुपये का एक पीस बिकता है। बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है सर्दियों में, बहुत ज़्यादा डिमांड में। एक चीज़ और दिखाऊँ मैं आप लोगों को, एक ये है उसी चीज़ की जो अभी दिखाया मैंने, ये उसी का थोड़ा सा बड़ा, बड़े साइज़ में बना दिया, लेकिन ये सिंगल पीस है। उसमें 7 थे, ये सिंगल पीस बना दिया है, गुड़ की और मूंगफली की ये भी है। ये सेल करता हूँ मैं 20 रुपये की, मुझे आती है 14 रुपये की, 6 रुपये प्रॉफिट है। मतलब प्रॉफिट इतना है कि आपको जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का जो आपकी सेल होती थी गर्मियों में, उसको कवर कर लेता है, ये बढ़िया से कवर कर लेता है। एक दिखाऊँ, हमारे यहाँ ये लोकल आइटम चलता है, इसको बोलते हैं गुड़ की सेल। ये स्पेशल सारा ही गुड़ से बनता है, गुड़ होती है इसमें, सौंफ होती है और थोड़ा सा करारेपन में आता है, इसको गुड़ की सेल बोलते हैं। ये ब्रांडेड है वैसे, मोलकराम कंपनी की है ये। यहाँ मेरे यहाँ लोकल में जितने भी हैं, ये बहुत बढ़िया डिमांड रहती है इसकी, ये चलती है यहाँ पे। वैसे इसका नाम लिखा है तोशा, आपके शायद यहाँ तोशा बोलते हो इसको, तोशा। अच्छा, ये पड़ती है आप लोगों को 16 रुपये की, 20 रुपये सेल आउट होता है, बहुत बढ़िया मार्जिन है, बहुत बढ़िया। सर्दियों में गुड़ सबसे ज़्यादा बिकता है, क्योंकि गर्म होता है वो, बहुत कस्टमर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कस्टमर लेते हैं। अब एक आइटम और दिखा दूँ मैं आप लोगों को, ये होते हैं चुलाई, ये भी गुड़ का ही है। वैसे मेरे पास चीनी वाले भी हैं, लेकिन स्पेशल मैं दिखाऊँ आप लोगों को, ये चुलाई है, ये भी गुड़ का होता है। ये पड़ता है मेरे को 14 रुपये का, 20 रुपये का सेल होता है, ये भी बहुत बढ़िया बिकता है सर्दियों में, अच्छी चीज़ है, आप रख सकते हैं इस चीज़ को भी। अच्छा, एक आइटम ये है, ये चावल का बनता है, इसको हरियाणा से हूँ मैं तो यहाँ मरमुंडा भी बोल देते हैं, ये भी गुड़ का ही बनता है। वैसे ये चावल का होता है, आप लोग अगर देख सको तो इस पर MRP 60 रुपीज़ है। ये आपको पड़ता है 16 रुपये का, 17 रुपये, सॉरी, ये 17 रुपये का पड़ता है, और मैं इसको ईजिली 25 रुपये का सेल आउट करता हूँ। ये भी अच्छी चीज़ है, सर्दियों की बहुत बढ़िया चीज़ें हैं ये। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ये तो मैंने ये वैरायटी बताई है कि भाई जो सर्दियों में बिकती बिकती है, आपका प्रॉफिट अच्छा निकाल देती है। गर्मियों में जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो बिक जाती हैं, तो सर्दियों में तो नहीं बिकती है, उसके कंपेयर में ये है। एक और है मूँगफली, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो सभी लोगों को मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा, मूँगफली होती है, वो आप रख सकते हैं। उसकी स्पेशल एक गिरी भी आती है, मैं दिखाऊँ आप लोगों को, ये इस तरह के पैकेट होते हैं मूँगफली के गिरी के, ये भी आप रखिए, बिकते हैं, बहुत बढ़िया बिकते हैं, ये सभी ले लेते हैं इसको, तो कोई मतलब बहुत ज़्यादा सेल होती है इन चीज़ों की, गर्म चीज़ों की, जो सर्दियां हैं उसमें कस्टमर गर्म आइटम मानता है। ये तो हुआ भैया सर्दियों में आप क्या रख सकते हैं। अच्छा, अब बात करता हूँ एक दो क्वेश्चन की। आज मेरे पास क्वेश्चन आया है
वो क्वेश्चन मैक्सिमम बहुत बंदों का आता है। मैं आप लोगों को पढ़ के दिखा देता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है, ये बहुत ज़्यादा बंदे मेरे से यही क्वेश्चन करते हैं कि सर मुझे डिस्ट्रीब्यूटर का काम करना है, होलसेल का काम करना है। अब एक बात बताइए, उसको होलसेल का काम करना है, उसको नॉलेज रिटेल की भी नहीं है, वो डायरेक्ट होलसेल का, भैया आप काम कैसे कर लोगे यार? पहले आप रिटेल का काम कीजिए, उसके बाद ही होलसेल का काम हो पाएगा। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं लोग, ये सोचते हैं कि भैया होलसेल का काम है, साला सीधा ही छक्का मारो, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसे नहीं होता। हाँ ठीक है, होलसेल में मार्जिन बढ़िया है, मगजमारी कम है कि भाई एक एक चीज़ देने से अच्छा पूरा का पेटी की पेटी दे दो। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, आप जब नॉलेज आपको रिटेल की नहीं है तो आप होलसेल का माल कैसे ले लोगे? किसी से भी होलसेल का माल लोगे, आपको नॉलेज होनी चाहिए। रिटेल का काम करो कम से कम 1 साल, आपको नॉलेज हो जाएगी कौन सा आइटम कहाँ से आता है, ऑटोमेटिकली आपको नॉलेज हो जाएगी। होलसेल का इजीली आप कर पाओगे, अगर डायरेक्ट आप होलसेल का करोगे तो आप फंस सकते हो, क्योंकि होलसेल का ये तो है नहीं कि भाई 50,000 1 लाख में काम हो जाएगा। होलसेल का कम से कम 5, 7, 10 लाख तक का माल आपको चाहिएगा, तब होलसेल का काम होगा बड़े लेवल पे। 5, 7, 10 लाख का भी मैं इतना बता रहा हूँ कि भैया आप लोग काम चल जाएगा आपका, वरना बहुत ज़्यादा काम होता है होलसेल का। और रही बात भाई करने की, आप मेरे मानो वैसे करोगे अपने मन की, उससे मुझे, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि भैया जब तक रिटेल का काम नहीं आएगा आप लोगों को, होलसेल का करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि रिटेल में आप लोगों को ये पता चल जाएगा, ये माल मुझे होलसेलर इतने रुपए का देता है। अब होलसेलर का रेट कैसे पता चलेगा आपको? तो वो रिटेल में जाने के बाद ही पता चलेगा कि भैया रिटेलर ने भी, होलसेलर ने भी तो 2 रुपये, होलसेलर ने भी तो 2 रुपये कमाए होंगे इस पर। अब होलसेल का आप काम कर लो और आपको माल मिले रिटेल के हिसाब से, तो वो उसमें तो आपका नुकसान हो जाएगा। अच्छा गाइस, एक सजेशन मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा, जो भी मेरा भाई इस टाइम पे सर्दियों में नई दुकान करना चाहे, अगर पॉसिबल हो सके थोड़ा पोस्टपोन्ड कर लेना। क्योंकि दिक्कत ये होती है, सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में दुकान अच्छी चलती है, सर्दियों में थोड़ा कम चलती है। मैंने जैसे ही बताया 100% चलती होगी तो सर्दियों में 70% चलती है। तो पॉसिबल अगर हो तो आप स्टार्टिंग कर लेना मार्च के महीने से, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अभी करोगे तो थोड़ा ये सोचोगे कि मैंने दुकान कर ली और चली नहीं क्या, नेगेटिव फील नहीं जाएगी इससे, आप लोग समझ नहीं पाओगे कि भाई 3, 4, 5 महीने हो गए चले नहीं। मार्च में करोगे तो थोड़ा आप लोगों को फ़ायदा होगा। ये मेरी तरफ से आप लोगों को सजेशन है। वैसे आप अगर अभी कर रहे हो, किसी ने प्लानिंग कर ली है कि भाई मैंने दुकान ले ली हो, तो इजीली कर लेना, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं की है, अभी ये सोच रहे हैं मुझे अभी करनी है 10 दिन में 5 दिन में 20 दिन में, तो थोड़ा पोस्टपोन कर लेना, मार्च में कर सकते हो। बहुत बंदों का क्वेश्चन रहता है ये कि भैया मुझे नई दुकान करनी है, मैं माल कहाँ से लूँ? 90 क्वेश्चन, अगर मेरे पास 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 90 तो यही होते हैं कि मुझे स्टार्टिंग में माल कहाँ से लेना, माल मैं कहाँ से लूँ। मैंने एक वीडियो, 2 वीडियो भी बना रखी हैं इसके ऊपर, कि आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन नहीं देखते तो मैं आज फिर बता देता हूँ आप लोगों को। आप माल ले लीजिए स्टार्टिंग में होलसेलर से। आप लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, भैया मैं अपनी सिटी का डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूँ, आप लोगों को नहीं दे सकता। आप लोग एक बार होलसेलर से माल ले लीजिए स्टार्टिंग में। मैंने भी ऐसे ही किया था, एक बार होलसेलर से लिया, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 1,000-2,000 रुपये का इतना ही फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। आपको नॉलेज हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा माल कहाँ से लेना है। तो स्टार्टिंग में आप होलसेलर से माल ले लीजिए बजाय डिस्ट्रीब्यूटर के, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा डिस्ट्रीब्यूटर किस चीज़ का कहाँ है। ये भी होता है इसमें किराने की दुकान में कि भाई कैडबरी एक चॉकलेट है, कैडबरी के किसी के पास एजेंसी है, नेस्ले की किसी के पास एजेंसी है, मतलब टॉफीज़ हैं ये, सेंटर फ्रेश वगैरह है, ब्रिटानिया है, लेज है, हर चीज़ की मतलब अलग अलग बंदों के पास एजेंसी होती है। तो आप किस किस को ढूंढोगे? एक बार में होलसेलर से माल ले लीजिए, अपने आप वो लोग आपसे संपर्क कर लेंगे आपकी दुकान होने के बाद। तो ये मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं उनका साथ के साथ रिप्लाई दे देता हूँ, लेकिन ये जो 2 क्वेश्चन थे इनका मुझे सबको बताना ज़रूरी था। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई नॉलेज आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में शायद आज ही या कल बना देता हूँ मैं। एक भाई का सवाल आया था कि भैया आप 2 पार्ट में करके अपनी पूरी दुकान की वीडियो बना दीजिएगा। मैंने बोला कि मेरी कुछ लंबी हो जाएगी, तो उसी ने सजेशन किया कि भैया 2 पार्ट कर देना, कि कौन सा माल आपको कितने रुपए में पड़ता है। तो पूरी दुकान का दिखाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं पहला पार्ट में कल बनाऊँगा, जो आप लोग देख लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मेरी इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। मेरे इस चैनल पर सिर्फ किराना की दुकान से रिलेटेड ही वीडियो बनती है, अदरवाइज़ नहीं बनती, क्योंकि मुझे किराना की ही नॉलेज है।
और किसी चीज़ की नॉलेज है नहीं। मैं फालतू की बातें करता नहीं कि भैया वो दुकान खोलो, ये कर लो, वो कर लो। मुझे नहीं पता किस चीज़ में कितना प्रॉफिट है। मुझे ये पता है किराना की दुकान में आप लोग मतलब दाल रोटी अपना खर्चा बढ़िया निकाल सकते हो, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हो, इतना काम हो सकता है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।